नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो हमारे बाकी वीडियो से बिल्कुल ही अलग है। आज हम दो टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कि आखिर क्यों चमगादड़ हमेशा उल्टा लटकते रहते हैं, और दूसरा टॉपिक है क्यों मुसलमान सुअर यानी पिग का मांस नहीं खाते। वजह बेहद चौंकाने वाली है, तो बिना समय के वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चमगादड़ पूरी तरह से निशाचर होते हैं और ये मुख्य रूप से पैर की डाली या अंधेरी गुफाओं में उल्टा लटकते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये उल्टा क्यों लटकते हैं? देखिए, चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। साथ ही साथ चमगादड़ रात को भी उड़ सकते हैं। दुनिया में चमगादड़ों की हजारों से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ तो ऐसी हैं जो सिर्फ खून पीते हैं, इसी वजह से उन्हें पिसा चमगादड़ कहा जाता है। दुनिया भर में पाए जाने वाले चमगादड़ की प्रजातियाँ में अधिकांश चमगादड़ भूरे या काले रंग के होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चमगादड़ आज से करीबन 10 करोड़ साल पहले यानी डायनासोर के समय से धरती पर रह रहे थे और आज भी धरती पर इनकी मौजूदगी है। चमगादड़ उल्टा होने के कारण वो बड़ी आसानी से उड़ान भर सकता है। दरअसल बाकी पक्षियों की तरह चमगादड़ ज़मीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पंख के उतने उठान नहीं देते, जिनकी वजह से उन्हें पैरों पे उल्टा लटकना पड़ता है। साथ ही साथ चमगादड़ के पिछले पैर छोटे और अविकसित होते हैं, जिनकी वजह से वह दौड़ की गति भी नहीं पकड़ पाते, इसीलिए चमगादड़ हमेशा उल्टा लटकता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों मुसलमान लोग सुअर का मांस नहीं खाते। दुनिया के मशहूर धर्मों में से एक इस्लाम भी है। इसे अपनाने वालों की संख्या के मुताबिक यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम की पवित्र कुरान में कई आयतें और सूरतें होती है जो दुनिया भर में अपनाई जाती है। हर धर्म में कुछ न कुछ खाने पर पाबंदी होती है और इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाने की मनाही है। इस्लाम धर्म में ऐसे किसी भी जानवर का सेवन करना वर्जित है जो हलाल या जिम्बा न किया गया हो। इसे केवल एक आपात स्थिति में वैध माना जाता है, जब कोई व्यक्ति भुखमरी का शिकार हो। सुअर एक ऐसा प्राणी है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से उसका शरीर ज़्यादा विषैला हो जाता है, और अपने आप को ठंडा करने के लिए यह जानवर कीचड़ में बैठा रहता है। इस्लाम में गंदगी को बहुत ज़्यादा नापसंद किया गया है और ऐसी चीज़ों से भी दूर रहने का हुक्म दिया गया है जो गंदी हो। हम इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि सुअर कितना गंदा जानवर है, इसीलिए इसका मांस खाने की मनाही है। वैसे आप जानते हैं सुअर के मांस खाने से कम 70 विभिन्न रोग लग सकते हैं। टीनिया सोलियम एक बहुत ही प्रचलित टेप वर्म है जो कि सुअर के मांस में पाया जाता है, और इसको खाने से ये मानव शरीर में जाकर मस्तिष्क, फेफड़े, दिल, आँख और नाक के अंगों में नुकसान पहुँचाता है। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों चमगादड़ उल्टा लटकता है और क्यों मुसलमान लोग सुअर का मांस नहीं खाते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।